हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद रखती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब ठीक हैं। आज मैं जिस चीज़ का ब्लॉग बनाने जा रही हूँ वो है कचनॉल। कचनॉल बना रहे हैं हम लोग, चिकन भी बना रहे हैं हम लोग कचनॉल। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने दो प्याज डाले हैं, तीन टमाटर डाले हैं, सूखा धनिया डाला है साबित, पीसा हुआ आधा चम्मच सूखा धनिया डाला है, ज़ीरा डाला है एक चम्मच, आधा चम्मच ने साबित गरम मसाला डाला है, आधा चम्मच हमने पीसा हुआ गरम मसाला डाला है। इसमें हमने छोटी इलायची डाली है, लौंग डाले हैं हमने चार, और पांच छह काली मिर्चें डाली हैं इसमें हमने, और इसमें हमने ऐड की है हल्दी थोड़ी सी ऐड की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चिकन है, चिकन में हमने ये चीज़ें डाली हैं। तो इसमें हम घी डालेंगे और फिर इसको हम बनाते हैं, और इसमें हमने अदरक लहसुन भी डाल दिया, और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, कलर इसका चेंज हो जाए। फिर इसको हम हल्की दम आंच पे रख देंगे, पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें, ये अपने पानी में गलेगी चिकन। तो हम इसको दम दे देंगे। हम इसमें कचनॉल डालेंगे, ये हमने बॉईल कर ली थी। मिक्स करेंगे, देखिए अब हमारा कचनॉल थोड़ा सा हमने इसको दम दिया था, वैसे तो गली हुई थी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, इसमें हमने ऐड किए दही, चिकन कचनॉल बना रहे हैं। अब हम थोड़ी देर इसको रख देंगे पकने के लिए, क्योंकि दही मिक्स हो जाए इसमें। ये हमारी कचनॉल तैयार हो रही है, देखिए दही भी मिक्स हो चुकी है। थोड़ी देर हमने इसको रख दिया था दम पे, तब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, घी निकल आएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगी हमारी कचनॉल। बहुत मज़े की, मज़ेदार, टेस्टी। सिर्फ 5 मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये हमारी चिकन कचनॉल तैयार है, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनी, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।